नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐतिहासिक खिताबी मुकाबला बारिश के कारण अभी शुरू नहीं हो पाया है। इंग्लैंड में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में टॉस भी नहीं हो पाया है। दोस्तों, आपको बताएंगे कि आखिर ये मुकाबला अब कितने बजे से शुरू होगा और अभी बारिश के क्या हालात हैं, बताएंगे पूरी खबर डिटेल से, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आज पहले दिन का खेल शुरू हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐतिहासिक खिताबी मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन मैदान पर होगा। टेस्ट क्रिकेट में बादशाहत के साथ इतिहास में नाम दर्ज कराने को आतुर विराट कोहली की निगाहें अपनी कप्तानी में पहले आईसीसी टूर्नामेंट खिताब जीतने पर होगी। कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होने के बावजूद कोई आईसीसी खिताब अपने नाम नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस मैच पर बादलों का काला छाया भी मंडरा रहा है, साउथहैम्पटन पर बारिश का पूर्वानुमान है। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में फाइनल की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। साउथहैम्पटन में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण टॉस में देरी होगी। स्थिति ये है कि टॉस से पहले ही पहले सेशन का खेल पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि लंच के बाद स्थिति सुधरेगी और मैच शुरू हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने ट्वीट करके बताया है कि आज पहले दिन का पहला सेशन बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया है और अब लंच के बाद ही टॉस हो सकेगा। इसका मतलब दोस्तों, भारतीय समय अनुसार शाम के 5:30 बजे टॉस होगा, अगर बारिश रुकती है तो। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड में अभी बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि दोपहर में बारिश नहीं होगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच 18 जून से शुरू होकर 22 जून तक चलेगा। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि इन 5 दिनों में से 4 दिन मौसम विभाग ने बारिश की आशंका व्यक्त की है। चिंता इस बात को लेकर भी है कि 1-2 दिन तो तूफानी हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जून यानी मैच के 4th दिन को छोड़कर बाकी सभी दिन बारिश होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि पहले दिन जो बारिश का अनुमान है उसके हिसाब से मैच पर 2-3 घंटों का असर पड़ सकता है। इसका ये भी मतलब हुआ कि पहले दिन 90 की बजाय अब आपको 60-70 ओवर तक का खेल ही देखने को मिल सकता है।